एक गांव में कांशीराम नाम का एक बुड्ढा किसान रहता था। कांशीराम के पास एक बजाज चेतक था। वो उसे दिन में 2-3 बार धोता रहता था। कांशीराम हर दिन अपने खेत को स्कूटर चलाते हुए जाता था। एक दिन कांशीराम की पत्नी सरोजा कांशीराम को स्कूटर साफ करते हुए देख, आपको इस स्कूटर से इतना लगाव क्यों है जी? इसे धोने के लिए पूरे टैंक में का पानी खत्म हो जा रहा है। गांव के लोग भी इस कटारा स्कूटर को देखकर हंस रहे हैं। पता है क्या? हंसने दो री, भगवान ने हमें बच्चे तो नहीं दिए। ये स्कूटर को मैंने मेरी पहली फसल को बेचने के बाद खरीदा है, इसीलिए इसे अच्छे से देख रहा हूँ। मेरी नजर में यही अपना संतान है। आप और आपका ये पागलपन, कहकर सर पकड़ ली। एक दिन कांशीराम स्कूटर चलाते हुए एक्सीडेंट होकर स्कूटर के साथ साथ नदी में गिर गया। मछुआरे कांशीराम को बचाए, मगर वो स्कूटर नदी में बह गई। मछुआरे कांशीराम को हॉस्पिटल में भर्ती करे। 4 सालों के बाद कांशीराम होश में आया। मेरा स्कूटर कहकर पुकारा। चुप बैठिए, आप 4 साल पहले कोमा में गए थे, वो भी उस कटारा स्कूटर के वजह से। आपका इलाज करवाने के लिए अपने खेत को बेचना पड़ा। अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब भीख मांगने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा स्कूटर खो गया है क्या? हे भगवान! हाँ, उसके साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया है, बोलकर सर पीटने लगी। कांशीराम कचरे के ढेर के पास कचरा उठाने का काम करने लगा। ऐसे आए पैसों से कांशीराम सरोजा एक वक्त का खाना ही खा पाते थे। कांशीराम हर दिन सरोजा से, अगर मेरा स्कूटर रहता तो हमें इतनी परेशानियां नहीं आती। लगता है आपका दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुई है, कहकर सर पकड़ लेती थी। एक दिन कांशीराम कचरा उठाने गया था, तभी उसे एक जंग लगी हुई एक पुराना बजाज चेतक दिखाई दिया। उसे देखकर कांशीराम बहुत खुश हुआ। तुरंत उस स्कूटर को अपने घर को लाया। ये क्या जी, आपको दूसरा कोई लोहे का सामान नहीं मिला क्या? इस जंग लगे हुए स्कूटर को लाए? रे पगली, तुमने इस स्कूटर को नहीं पहचाना? ये अपना स्कूटर ही है। भगवान की कृपा से ये मुझे कचरे में मिली है। ये अपनी किस्मत है री, मैं इसे ठीक करके चलाऊंगा, तब हमें सब कुछ अच्छा ही होगा, देखते रहना। ऐसे कांशीराम उस स्कूटर को वेल्डिंग और पेंटिंग किया। वो मामूली स्कूटर के जैसे बन गई। स्कूटर ठीक करके आपको तो तसल्ली मिली है, मगर इससे हमें क्या फायदा पेट्रोल खर्च के अलावा? तब कांशीराम उस स्कूटर के डिक्की को खोला, उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के निकले। वो देखकर सरोजा दंग रह गई। मेरे एक्सीडेंट से पहले मुझे अपने खेत में खजाना मिला था री, उसमें ये सोने के सिक्के थे, उसे मैंने स्कूटर में रखा था। ये बात तुम्हें बताने के लिए ही मैंने गाड़ी बहुत तेजी से चलाया था, बाद में एक्सीडेंट होकर कोमा में गया। तुम्हें ये सब बताए तो तुम यकीन नहीं करोगे, कहकर तुम्हें मैंने ये सब नहीं बताया, इसीलिए तुम्हें हर दम स्कूटर के बारे में बोलते हुए तुम्हें सताता था। भगवान की कृपा से हमें ये स्कूटर मिली है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सरोजा आश्चर्य में पड़ गई। ऐसे वो दोनों अमीर हुए और खुशी से जीने लगे। मिर्जापुर का गांव समुद्र के किनारे पर रहता था। उस गांव में पंकज कहकर एक चालाक लड़का रहता था। उस लड़के को साइंस बहुत पसंद था। साइंस परीक्षा में 100 के 100 आते थे, दूसरे सब्जेक्ट्स में तो पास मार्क्स भी नहीं आते थे। पंकज के पिता धर्मेश, क्यों रे
पढ़ाई कहे तो केवल साइंस ही है क्या? दूसरा सब्जेक्ट भी रहते हैं। जब भी देखो वो बकवास प्रयोग करते हुए घर में सब चीज खराब करते ही रहते हो, उसके वजह से किसी को भी उपयोग नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी पास मार्क्स आए तो ही आगे जा पाएगा। ऐसे नाकाम प्रयोग करते रहोगे तो जिंदगी में नाकामयाब ही रह जाओगे और तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देते हैं। साइंस के मुश्किल वाले प्रयोग जो दूसरे कोई भी नहीं कर पाते हैं वो ये कर लेता है, इस बात की दाद तो देते नहीं और ऊपर से उसे क्यों हमेशा डांटते रहते हो। और इसे किसी के नीचे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद बहुत सारे लोगों को नौकरियां देगा, देखते रहना। एक दिन पंकज उनका तैयार किया गया एक प्रयोग युक्ति को लेकर समुन्द्र के किनारे पर जा रहा था। तब एक जगह पर वो युक्ति का लाइट जलने लगे। पंकज को यकीन नहीं हुआ था। कुछ दूर जाकर फिर से वो जगह पर आने से फिर से वो लाइट जलने लगे। तब पंकज खुश होकर याहू चिल्लाकर उधर से भागते हुए चला गया और घर आकर पुराने अखबारों में ढूंढा। एक अखबार को लेकर उनके पिता के पास गया। पापा पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या होगा? तुम कोई नया यंत्र तैयार किया होगा, इस बार मुझे कितना नुकसान आया होगा, कहकर सर पकड़ा। नहीं पापा, इस खबर को देखो, कहकर उनका हाथों में न्यूज़पेपर कटिंग को दिखाया। धर्मेश वो देखकर, अरे ये तो मेरा बचपन का खबर है। 30 साल पहले जो हुआ वो हादसा था। सोने की खान से सोने को ले जा रहा एक विमान समुन्द्र में गिरकर गायब हो गई है। अब तक उनका कोई पता नहीं चला। इतनी पुरानी खबर के बारे में अब क्यों पूछ रहे हो? पापा, उस हवाई जहाज को मैंने ढूंढ निकाला है। 30 साल से बड़े बड़े वैज्ञानिक जो ढूंढ रहे थे उन्हें ही नहीं पता चला, वो तुम्हें पता चला और वो मुझे यकीन करना है। ये बात इधर छोड़ो और किसी से नहीं कहो, नहीं तो तुमको पागल समझकर पागल खाने भेज देंगे। ये लो 100 रुपए ले जाकर फिल्म देखकर आराम से सो जाओ। तब पंकज रोने लगा। सुमति पंकज के पास आई। बेटा, तुमने जो पापा से बातें की थी वो सब मैंने सुना है, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों मिलकर पंकज के स्कूल प्रिंसिपल के पास गए। तब सुमति उनसे जो हुआ सब कुछ बताई। पंकज उनका युक्ति को दिखाकर, सर धरती में कहां कौन से धातुएं छुपे हैं यह जानने के लिए मैंने इस यंत्र को बनाया है। सागर किनारे जा रहा था तो इसकी लाइटें जल रही थी। समुन्द्र में धातुएं कहां से आएंगी, वो पक्का उसी हवाई जहाज का होगा जो समुन्द्र में गिर गया था। तब वो हैरान होकर, तुमने जो कहा वो सच है पंकज, अगर सच में वो विमान मिलेगा तो हमारा गांव का नाम और तुम्हारा नाम भी रोशन हो जाएंगे, मैं सब इंतजाम करता हूँ। कुछ दिनों के बाद बड़े बड़े जहाज मिर्जापुर के किनारे पर आकर ठहरे। पंकज ने तैयार किया उस युक्ति से समुन्द्र के अंदर जाकर ढूंढने लगे। उधर उन्हें 30 साल पहले जो पानी में डूब गया था वो विमान दिखाई दिया। तब नाव के कर्मचारी उस विमान को बाहर निकाले। उसमें सोना ठीक ठाक सही वही था। तब सरकार पंकज को 10 लाख रुपयों का इनाम भी दिए। मिर्जापुर के सब गांव वाले मिलकर पंकज का आदर किए। उस समारोह में स्कूल का प्रिंसिपल, मेरे प्यारे गांव वासियों, हमारे पंकज के वजह से हमारा गांव का नाम रोशन हो गया है और पंकज हमारे स्कूल में पढ़ता एक छात्र है कहकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आजकल के जमाने में माँ पिता उनके बच्चों को केवल अच्छा मार्क्स मिलना है कहकर उन पर तनाव डाल रहे हैं। पढ़ाई और विज्ञान और मार्क्स पाने का कोई संबंध नहीं है कहकर हमारे पंकज ने आज साबित किया। कई सालों से जो बड़े बड़े वैज्ञानिक ने जो नहीं ढूंढ पाए उसे हमारे पंकज उनके चतुराई से ढूंढ निकाला। तब सब लोग तालियां बजाए और बधाई दिए। बाद में धर्मेश पंकज से, मुझे माफ करो बेटा, मैं तुम्हारी चतुराई को नहीं पहचान पाया, तुम्हारे बकवास का प्रयोग है कहकर डांटा, फिर भी तुमने छोड़े बिना जो सोचा उसे कर दिखाया। अब तुम्हें कौन सा भी चीज चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ और तुम्हें तुम्हारी माँ से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तब पंकज बहुत खुश हो गया।
एक गांव में पुराने सामान खरीदेंगे, पुराने सामान, पुराने पेपर्स खरीदेंगे, पुराने चीजें खरीदेंगे माँ, पुराने सामान, ऐसे ठेली चलाते हुए एक आदमी जा रहा था। उस गांव का नाम बदलापुर था। उस आदमी का नाम चकमा था। वो ऐसे गली गली फिरते हुए पुराने सामान खरीदता था। बाद में गांव के बाहर रहे डंप यार्ड के पास से भी पुराने सामान इकट्ठा करता था, उन्हें लेकर एक स्क्रैप दुकान वाले को बेचता था। वहाँ जो चीज नहीं बिकते थे तो चकमा उन्हें अपने घर लाता था और उनकी मरम्मत करता था। ऐसे उसके पास पुराना रेडियो, पुराना छाता, पुराना वाटर ड्रम, ऐसे बहुत सामान थे। वो उन्हें जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में देता था। एक बार वो ठेली को ढकेलते हुए जा रहा था कि तभी उसके सामने एक स्वामी जी गश खाकर नीचे गिर गए थे। तभी चकमा उस स्वामी जी को उठाकर पानी पिलाया। बेटा, सुबह से धूप में फिरने के कारण सर चकरा गया था, बहुत धन्यवाद। चकमा एक पुराना छाता खोलकर, स्वामी जी आप ऐसे चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कहकर मुझे पता है, मगर धूप बहुत तेज है, मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ देता हूँ, मना मत कीजिए। स्वामी जी ठीक है बोले। चकमा उन्हें आश्रम तक लेकर आया। बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बहुत जल्द ही एक चमत्कार होकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर तुम एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी लालची मत बनना, अगर तुम लालच नहीं बढ़ने दोगे तो हंसी खुशी से जिंदगी बिताओगे, कहकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन चकमा को डंप यार्ड के पास एक पुराना फ्रिज दिखाई दिया। उसने उसे खोलकर अंदर हाथ रखकर देखा, अंदर बहुत ठंडी थी। अरे ये क्या, अंदर इतनी ठंडी है, ये तो खराब हुआ फ्रिज है ना, और ऊपर से करंट भी नहीं है, फिर भी अंदर ठंडी कैसी है, ठीक है ये मेरे काम आएगी कि नहीं देखता हूँ। सोचकर उसे उठाकर अपने सर पर रखकर घर आया। उसके बारे में अपने पत्नी से कहा तो उसकी पत्नी भी फ्रिज के अंदर हाथ रखकर देखी और आश्चर्य में पड़ गई। उनके बच्चे भी दंग रह गए। पिताजी लगता है ये कोई चमत्कारी फ्रिज है, मगर हम इसका क्या करेंगे, ये पानी के बॉटल रखने के अलावा किसी और काम का नहीं है। सही कहा तूने, हमारे पास आइसक्रीम चॉकलेट है क्या, इसमें रखने के लिए सिर्फ पानी से बर्फ तैयार करके खाना होगा। बस उसमें से आइसक्रीम्स, केक्स, चॉकलेट्स आने लगे। वो देखकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। वो उन्हें खाकर बहुत खुश हुए। ओ जी लगता है ये सच में माया फ्रिज है, ये हमारे पूछे चीजें देगी कहकर समझ आया, इस बार कोई दूसरी चीज पूछेंगे। माया फ्रिज हमें चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी चाहिए। मगर उसमें से कुछ नहीं आया। ये क्या, इसमें से कुछ नहीं निकला। ओहो अब मुझे समझ आ गया, इससे पूछने का एक तरीका है, रुको मैं कोशिश करूँगा। लक्ष्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मगर खाने के लिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी जैसा कुछ नहीं है, खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। बस उसमें से चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी आने लगे। उन्हें खाकर वो लोग बहुत खुश हुए। ऐसे चकमा आए दिन उस फ्रिज से तरह तरह के व्यंजनाएं पूछकर सब लोग खाने लगे। वक्त पे खाना मिलने के कारण चकमा काम पे जाना छोड़ दिया। थोड़े दिनों के बाद उसके मन में लालच बढ़ने लगी। एक दिन चकमा को एक उपाय सुझा। चकमा क्यों रे लक्ष्मी, ऐसे कितने दिन हम यूं खाते पीते जिएंगे? बोलो सिर्फ खाना खाए तो बस है क्या, हमें भी एक बड़ा घर और कार खरीदना है ना। सच है जी, मगर हमें खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर है ना, और लालच क्यों हमें। तुम्हें कुछ नहीं पता रही, तुम रुको अब देखो मैं इसमें से पैसे कैसे निकालता हूँ। लक्ष्मी मुझे एक घर और एक कार खरीदने का मन कर रहा है, मगर उसे खरीदने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, हमें पैसे कौन देगा बोलो। बस उस फ्रिज में से पैसे आने लगे। उतने सारे पैसों को देखकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए।
चकमा तुरंत उन पैसों को बोरियों में भर दिया। लक्ष्मी चलो चलो जल्दी हम एक कार खरीदेंगे। ऐसे वे दोनों कार शोरूम के पास आए। चकमा वहां के सेल्समैन से एक कार पूछा, मगर वहां का मैनेजर उनके हुलिये को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्यों भाई ऐसे देख रहे हो, हम कार नहीं खरीद सकते यूं सोच रहे हो क्या? चाहे तो देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, कहकर बोरी खोला, मगर उसमें से पत्थर निकले। क्या रे पागल कही के, मजाक करने के लिए तुम्हें हम ही मिले थे क्या? कहकर उसे खूब मारा। तब दोनों घर आ गए। तब वो फ्रिज उनसे, क्यों भाई चकमा तुमसे स्वामी जी ने क्या कहा और तुमने क्या किया? इंसान हमेशा लालची ही रहेगा कहकर फिर से तुमने साबित किया तुम्हारे जैसे लोगों के पास रहना ठीक नहीं है, कहकर फ्रिज गायब हो गई। चकमा अपना सर पकड़ लिया। मैजिकल वाटर टैंकर रिस्टोरेशन। एक गांव में सांबा कहकर एक वाटर टैंकर चलाने वाला रहता था। उसका काम था उस वाटर टैंकर में पानी भर के हर गांव को पानी ले जाकर उधर डिलीवरी करके आना। एक दिन उनका ओनर सांबा के साथ, नहीं सांबा आज दुर्गापुर जाकर उधर वाटर डिलीवरी करके आना है, संभाल के जाना, अगर पीकर ड्राइविंग किया तो तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगा, जाके आने के बाद ड्यूटी हो जाने के बाद तुम पियोगे या नाचोगे या मरोगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना? ठीक है मालिक, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, जाकर आता हूँ, कहकर गाड़ी को निकाला। रास्ते में उनको एक वाइन शॉप दिखाई दिया था और उसको देखते ही सांबा के अंदर का शराबी जाग उठा और मन में, मेरा ऑनर तो कुछ ज्यादा ही बोलता है, मैं पीऊंगा या नाचूंगा या मरूंगा उनको क्या है, मैं थोड़ी उनका पैसों से पी रहा हूँ क्या, अपने खुद के पैसों से पी रहा हूँ, मेरी मर्जी है, चमड़ी उतारेगा कहकर धमकी देता है मुझे, येड़े क्या उखाड़ता है देखता हूँ, अल्कोहल पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पी के ड्राइविंग नहीं करना है कहकर बकवास की बातें बोलते हैं सब लोग, ऐसे है तो पूरा अल्कोहल को ही बैन कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं करते हैं, ऊपर से हम पीने वालों को बोलते हैं। सोचकर वाइन शॉप में जाकर चार शराब के बोतलें खरीद कर अच्छा से पीकर ड्राइविंग करने लगा। कुछ देर के बाद अच्छा नशा चढ़ गया और वो गाड़ी का संतुलन खोकर एक दीवार को टकरा कर सड़क के बगल में एक पुराना कुआं में गिर गया था। बाद में घर में अच्छा पीकर सो रहा सांबा को मारते हुए ऑनर, अरे वो शराबी कही के कल दुर्गापुर में वाटर डिलीवरी नहीं दिया था, कहाँ छोड़ दिया है मेरे टैंकर को, कल से ऐसे ही पीकर सो गया हो क्या, कहकर उसको खूब पीटने लगा। मार खाते हुए रोते हुए सांबा, अयो मालिक अब्बा अयो मुझे मत मारो, कल मैं खूब पिया था लेकिन वो गाड़ी को कहाँ छोड़ दिया ये बात मुझे याद नहीं आ रहा है मालिक, भूल गया हूँ मालिक, भूल गया है या फिर बेच दिया है, बोलो रे शराबी कही के कहाँ छोड़ दिया है मेरे टैंकर को, लेकिन कितना भी याद करने को कोशिश किया लेकिन उसका गाड़ी कहाँ रखा था ये बात उसको याद नहीं आ रहा था। तब उस ओनर को बहुत गुस्सा आया और उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन किया और उसको जेल में डाल दिया। जज उनको 10 साल की कैद दिया था। जेल में सांबा, कहाँ पार्किंग किया होगा, छी छी इस दरिंदर शराब के वजह से मेरी पूरी जिंदगी 10 साल बेकार में गया, वक्त कैसे गुजर रहा है ये भी मालूम नहीं चल रहा है, कहकर दुखी होकर 10 साल जेल में ही गुजारा। 10 साल के बाद जेल से छुटकारा पाया। बाहर आकर सांबा, अच्छा हुआ कि इस 10 साल तक मैं नहीं पिया और मेरा सेहत अच्छा बन गया, लेकिन मेरी कीमती जिंदगी तो गई है, लेकिन वो टैंकर को कहाँ पार्क किया ये तो मालूम नहीं चल रहा है, भूल ही गया था, फिर से एक बार पीने से याद आएगा शायद, ट्राई करता हूँ। अरे वो सांबा याद में रखो, अब मैं खाली वाटर टैंकर को कहाँ रखा है ये बात जानने के लिए ही पी रहा हूँ, कहकर एक वाइन शॉप के पास जाकर 4 बॉटल्स खरीद कर फुल टुल पी लिया। पीने के बाद हिलते हुए, उस दिन भी ऐसे ही पी लिया था और एक ही बात कंट्रोल खो गया था, उसके बाद जाकर दीवार को टकराया, उधर से याद आया, तब उधर एक गहरे से कुआं में गिर गया था, लेकिन उधर से मैं बाहर कैसे आया ये बात याद नहीं है। सोचकर उस कुएं के पास जाकर देखा तो वो वाटर टैंकर खराब होकर जंग लगकर दिखाई दिया।
उसके पास जाकर सांबा, अरे तेरी तो तुम इस कुएं में गिरकर इधर ही रह गई हो मेरी प्यारी बच्चू, तुम दिखाई नहीं देने से तुमको कहाँ छोड़ दिया है कहकर मैं भूल गया और जेल जाकर 10 साल की सजा काट के आ रहा हूँ। तब एक भयानक आवाज सुनाई दिया था, रे कौन हो तुम, ये मेरा घर है, मेरे घर में घुसकर ये शराबी का बातें कौन कर रहा है, कहकर एक राक्षस बाहर आई। उसे देखते ही सांबा का नशा पूरा उतर गया था और पैंट भी गीला हो गया था, मुंह से बात भी नहीं निकल रहा था और कांपते हुए, भूत, जी हाँ बेवकूफ मैं भूत हूँ, 10 साल से इस कुएं में ही रह रही हूँ। आई एम सो अटैच विद दिस वाटर टैंकर एंड दिस इज माय होम। भूत जी 10 साल के पहले मैं पीकर इस वाटर टैंक को इसमें गिरा दिया था, इसलिए ये आपका घर बन गया है ना, इसके वजह से ही तो आपको एक अच्छा सा घर मिल गया है और बिंदास की जिंदगी जी रहे हैं। खाली मैं ही अकेला उल्लू जैसे जेल में सजा काट कर आ रहा हूँ। खोया हुआ जिंदगी को तो ये टैंकर वापस नहीं ला सकती है, लेकिन ये जंग लगा हुआ लोहे को बेचा तो थोड़े दिन के लिए मुझे खाना तो मिलेगा ना, जेल से आया हूँ कहकर मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है, थोड़ा सोचिए। अरे ओ सांबा, मेरे सोने जैसा इस घर को बेचकर खाने के लिए कहते हो, ऐसे किया तो तुमको कितना दिन खाने को मिलेगा रे, ज्यादा तो 1 महीना खा सकते हो, इतना ही है ना, मैं तुमको कितना संपत्ति चाहिए उतना देती हूँ। तब सांबा को विश्वास नहीं हुआ और सच में, मगर कैसे, तुम पहले इसे रिस्टोरेशन करो, बाद में मैं उस नया टैंकर के घर में खुशी से रहूंगी। हाँ रिस्टोरेशन करने के बाद तुम तो अच्छे से सुकून से उसके अंदर रहोगी, लेकिन उनका रिस्टोरेशन के लिए उधार मुझे करना पड़ेगा ना, वो मेरे ऊपर आएगा ना। अरे ओ बेवकूफ, मैं जो कहती हूँ वैसे करो, बाद में तुम इस वाटर टैंकर का टैप को घुमाओ, तुमको सोने का सिक्के हीरे और पैसे मिलने का इंतजाम मैं करती हूँ, कहकर वचन दिया। फिर बाद में सांबा उस भूत ने जैसे कहा वैसे ही उस वाटर टैंकर का रिस्टोरेशन करवाया, उसके ऊपर डेविल्स ड्रीम होम कहकर भी लिखवाया। नया सा बना हुआ वाटर टैंकर को देखकर वो भूत बहुत खुश होकर, अरे वाह सांबा, मेरा नया घर बहुत बेहतरीन है, इसके ऊपर कुछ लिखा है, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, जरा पढ़ के बताओ। तब उसे पढ़ते हुए सांबा डेविल्स ड्रीम होम बोले तो भूत का सपनों का घर। बहुत बढ़िया है रे सांबा, तुमने तुम्हारा वचन निभाया, मैं भी अपना वचन निभाती हूँ, जाके वो वाटर टैंकर के टैप को घुमाओ। तब सांबा जाकर उस वाटर टैंकर का टैप को घुमाया, बस उसमें से सोने के सिक्के हीरे और रुपए निकलते ही रहे। सांबा उनको इकट्ठा किया और बाद में एक बड़ा सा मकान बनाकर उस मैजिकल वाटर टैंकर को उनके कॉम्पाउंड में ही रखकर खुशी से जिंदगी जीने लगा।